नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज डिजिटल के द वेदर शो में। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा। आज द वेदर शो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज क्या रहने वाला है देश के मौसम का हाल। दूसरा, जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को महाराष्ट्र में हो रही झमाझम बारिश की अपडेट्स दे रहा है। मॉनसून के महीनों में लगातार हर साल आखिर क्यों आ जाती है बाढ़, ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश के आज के मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में आज मौसम साफ रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आज मौसम सामान्य ही रहेगा। उत्तराखंड में आज आंशिक रूप से आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं अगर हम बात पश्चिम भारत की करें तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में आईएमडी के मुताबिक आज बारिश होने के काफी कम आसार हैं। मध्य प्रदेश में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं अगर हम बात उत्तर पूर्वी भारत की करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में आज बारिश से राहत देखी जा सकती है। वहीं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में आज भारी बारिश होने की आशंका है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में आज मौसम सामान्य रहने वाला है। वहीं अगर हम बात वेस्ट बंगाल की करें तो वेस्ट बंगाल में भी आज मौसम साफ रहने वाला है। अगर हम बात पश्चिमी भारत की करें तो पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आज मौसम साफ रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आज भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। अब जानते हैं कि हर साल मॉनसून के महीनों में मुंबई में आखिर क्यों आ जाती है बाढ़। देश की आर्थिक राजधानी में असाधारण भारी बारिश, सड़कों पर पानी और ट्रेनों पर रोक, भारी बारिश से दीवारों का गिरना। मुंबई में ये पहली बार नहीं है कि झमाझम बारिश दर्ज की गई है, ना ही ये आखिरी बार है। मॉनसून के आने वाले दो महीने बीतने के बाद मुंबई फिर से अपने पिछले साल वाली स्थिति दोहरा सकता है। अब जानिए क्यों। मुंबई एक तट से घिरा हुआ शहर है। मुंबई के तीनों तरफ समुद्र है और हर साल यहाँ भारी बारिश दर्ज की जाती है। 26 जुलाई 2005 की सबसे भीषण बाढ़ के दौरान शहर में महज 24 घंटों में 944 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई थी। यह एक दिन में रिकॉर्ड की गई सबसे अधिक बारिश थी। अध्ययनों से ये पता चला है कि जलवायु परिवर्तन, अरब सागर के तापमान में वृद्धि, जो मुंबई की रेखा है, इसने बीते कुछ सालों में भारी बारिश की घटनाओं में वृद्धि की है। पर आखिर क्यों मुंबई में हर साल भारी बारिश दर्ज की जाती है। ना केवल खराब बुनियादी ढांचे, लापरवाही, प्रशासनिक और साथ ही साथ राजनीतिक लापरवाही, जलवायु परिवर्तन में प्रभाव, शहर की भौगोलिक संरचना और भारी बारिश से निपटने के लिए खराब तैयारी, सभी प्रमुख कारण हैं। आपको बता दें कि मुंबई को समुद्र, निचली भूमि, अर्धभूमि, दलदली भूमि और नदियों और खाड़ियों की भूमि को प्राप्त कर बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक व्यापारिक पोस्ट खड़ा करने के लिए 7 द्वीपों को 300 से अधिक वर्ष पहले शामिल किया गया। इसी वक्त एक असाधारण भविष्य का बीज बोया गया था। शहर के भीतर भी वेटलैंड्स और मडलैंड्स जो निचले हिस्से में पाए जाते थे, वहां से भूमि को प्राप्त किया गया। इसमें से सब कुछ ही वैज्ञानिक और ठीक तरीके से नहीं किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से निचले इलाकों में तीव्र बारिश का ये संयोजन बाढ़ का कारण है। उच्च ज्वार यानी हाई टाइड के दौरान समुद्र में अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा जा सकता। विकास और अतिक्रमणों के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने से समुद्र तट बदल गया है, समुद्र का स्तर बदल गया है और ज्वार की धाराएं और समुद्र तट नष्ट हो गए हैं। शहरों की नदियां और खाड़ियां संकरी और उथली हो गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2005 की भीषण बाढ़ के बाद बीएमसी ने बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम के लिए एक परियोजना तैयार की गई, जिसकी क्षमता 50 मिलीमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन नौकरशाही, लाल फीताशाही
भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण घटाने में आने वाली कठिनाइयों को अक्सर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि परियोजना 14 साल बाद भी अधूरी है। अगर इतिहास की इन लापरवाहियों को नहीं रोका गया तो हर साल की तरह आने वाले सालों में भी मुंबई में इसी तरह भीषण बाढ़ आना तय है। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, ट्रेन्स को रोक दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था मुश्किल में आ जाएगी और लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था चुस्त की जाए, मॉनसून से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाए और जनता से केवल यही अनुरोध है कि बारिश में घर से निकलने से पहले अपना ध्यान रखें, छाता साथ लेकर चलें, गाड़ी आराम से चलाएं और हो सके तो बारिश के इस मौसम का आनंद लें। कल फिर मिलेंगे द वेदर शो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ।